कहते हैं किसी के भी दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और पेट तक पहुंचने के लिए किचन से तो गुजरना ही पड़ेगा। और अगर हमारी किचन होगी एकदम नीट एंड क्लीन, तो हमारा पेट भी खुश, दिल भी खुश और हम भी खुश। तो मैं हूं निशु जैन और स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल कलाकृति क्रिएशन साशे की ओर में। मुझे करनी थी आज किचन की डीप क्लीनिंग, तो उसके लिए के बाद मैंने किचन को पूरा खाली कर दिया, जो उसका काउंटर टॉप था, क्योंकि अब करनी थी क्लीनिंग, और कवर कर दिया अपने गैस स्टोव को, जिससे कि अगर हम कुछ भी पानी वगैरह ऊपर लगाते हैं ना, तो वो नीचे ना जाए। उसके बाद सबसे पहले किया ऊपर वाला एरिया साफ। तो मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ पेपर। इसके लिए मुझे कुछ लाना है अभी मैट्स वगैरह, लेकिन वो मैं ला नहीं पाई हूँ, तो मैं पेपर ही बिछा देती हूँ फ़िलहाल। उसको क्लीन कर देती हूँ लगभग 8-10 दिन में एक बार, और पेपर पर ही आ जाती है धूल मिट्टी, और उसको फिर मैं चेंज कर देती हूँ। उसके बाद की मैंने जो हमारी माइका है उसको क्लीन, तो हमारी जो माइका है ना वो PVC माइका है, तो बहुत ही इजीली क्लीन हो जाती है। सिर्फ जो थोड़े से पानी के छींटे इसमें मारे, और एक रफ़ कपड़े से मैंने इसको पोंछ दिया अच्छे से, और फिर उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया, बिल्कुल शीशे की तरह चमक गई। कैसे भी माइका हो ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल या फिर कोई डिटर्जेंट या फिर बहुत ज़्यादा पानी से उसको साफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले एक दो वॉश में आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन अगर आप रेगुलर ऐसे करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो माइका है ना उसका कलर बिल्कुल फेड हो जाएगा और एक डलनेस से उसमें आ जाएगी। और इसके बाद देखिए ये हैंडल्स, इसमें भी बहुत जल्दी ग्रीस आ जाती है, क्योंकि खाना बनाते समय हम उन्हीं हाथों से इसे बार बार खोलते हैं बंद करते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में लिक्विड जो वॉश होता है ना वो मिक्स कर दिया था, और बस उसको गीले कपड़े से एक बार मार के सूखा कपड़ा ऊपर से पोंछ दिया, बस एकदम अच्छे से क्लीन हो गए और एकदम शाइनिंग इसमें आ गई थी। उसके बाद टाइल्स को तो हम बेधड़क होकर के साफ़ कर सकते हैं पानी के साथ, तो मैंने थोड़ा सा सोप और वाटर मिक्स करके अच्छे से इसको झाग बनाते हुए क्लीन कर लिया। वैसे टाइल्स जितनी चिकनी वाली होती है ना, उसमें गंदगी उतनी ही कम बैठती है। अगर थोड़ा सा भी डिज़ाइनिंग वाली टाइल्स या हल्का सा खांचे वाला डिज़ाइन होता है ना, तो उसमें बहुत जल्दी गंदगी बैठ जाती है। तो जब भी हम टाइल्स का चुनाव करें ना, तो फिर हमें थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए। जो डिज़ाइनिंग वाली टाइल्स होती है उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन अगर आपकी चॉइस में वही आ रही है तो बस कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए अपनी चॉइस के साथ, और उसको बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखिए। तो देखिए हो गई ना हमारी टाइल्स भी अच्छे से क्लीन। ना जब कोई सफाई वाला काम करते हैं ना, तो जहाँ नज़र पड़ती है बस फिर तो हाथ नहीं रुकता, बस करते जाओ। जहाँ पर भी एक बार मन बना लिया है कि आज हमें सफाई करनी है और समय भी हमारे पास भरपूर है, तो बस उसके बाद मेरे को स्विच बोर्ड पे नज़र पड़ी, तो मैंने बस डिटर्जेंट जिससे हम बर्तन धोते हैं ना, बस उसी डिटर्जेंट में ज़रा सा ब्रश के साथ मैंने लगा करके क्लीन कर दिया, एक बार गीले कपड़े से एक बार सूखे कपड़े से। हाँ, चप्पल ज़रूर पहनिएगा जब भी आप कोई भी स्विच बोर्ड या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस पर काम करें। उसके बाद देखिए ये टैप्स को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, जबकि इनको क्लीन करना बहुत ही आसान है। तो इनको साफ़ करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर एक पुराना मोज़ा, थोड़ा सा सॉफ्ट है ये, और उसके बाद उसमें बस वही अपना जो रोज़ वाला बर्तन धोने वाला जो साबुन है ना, उसी से पहले तो अच्छे से रगड़ रगड़ के इन्हें साफ़ कर दिया था। उसके बाद अच्छे से पानी डाल करके इन्हें खूब नहला दिया मैंने, लेकिन तब भी कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद इसके स्ट्रेन पूरी तरीके से नहीं गए हैं। तो मैंने ये जो ब्रश होता है ना अपना, हाँ, बॉटल वाला, उसको हल्का सा इस तरह से ट्विस्ट कर दिया, ये देखिए इस तरह से, और ये मुड़ के बहुत अच्छा सा वर्क करने लगा, एकदम बढ़िया तरीके से, देखिए इस तरह से इसमें फंसा के, और ये बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगा, और आराम से मेरे टैप्स जो है ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। तो दोनों नल को मैंने इसी तरह से साफ किया, एकदम चमक गए थे दोनों, अच्छे से पानी से धो दिया, और देखिए लग नहीं रहा ना कि जैसे कि 10-12 साल पुराने नल लगे हों, एकदम नए जैसे हो गए। बीच बीच में इसी तरह से इनकी रगड़ा पट्टी हो जाती है। इसके बाद में फिर आई मैं सबसे नीचे वाले एरिया में, तो उसको भी मैंने ऐसे ही क्लीन कर लिया जैसे ऊपर वाला क्लीन किया था। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ना मॉड्यूलर किचन में, वो आती है इस एरिया को लेकर सफाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाथ हमारा बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं जा पाता, बीच में ही ट्रॉली फंस जाती है।
तो उसके लिए आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप इस ट्रॉली को बाहर निकाल के रख सकते हैं और आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो मेरे किचन में ये तीन ट्रॉलीज हैं, लेकिन मैं एक एक करके इनको क्लीन करूंगी। पहले एक को पूरा क्लीन करके कंप्लीट करूंगी, तब दूसरा फैलाऊंगी। तो मैंने पूरी की पूरी ट्रॉली खाली कर ली थी। उसके बाद जितनी ट्रॉली बाहर आ सकती है उसे निकाल लीजिए और देखिएगा इस तरह से साइड में क्लिप्स दी होती हैं, एक दोनों तरफ प्लास्टिक की ब्लैक कलर की, इस तरह से ये देखिए। तो दोनों तरफ ही क्लिप्स होती हैं, बस आपको इनको हल्का सा नीचे की तरफ पुश करना है और पुश करते ही ये हल्की सी लूज पड़ेगी और बाहर आ जाएगी। आप चाहें तो बस इतनी ही निकाल करके भी क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर इसी तरह से क्लीन कर लेती हूँ, लेकिन अगर पूरी आप निकालना चाहते हैं तो इसको बस पुश करके ये जो क्लिप्स हैं उनको लूज़ हो जाएगी आपकी ट्रॉली और आराम से बाहर आ जाएगी। तो बिल्कुल आराम से आप निकाल लीजिए बाहर और आसानी से आप अब इसके अंदर घुस करके अच्छे से सफाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आराम से एक बार गीले कपड़े से और एक बार साफ सूखे कपड़े से मैंने इसे पोंछ दिया है। चैनल्स को भी अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि इसमें अगर गंदगी जम जाएगी ना तो फिर ये खिसकाने में बहुत दिक्कत देगी। देखिए एक एक कोना इसका साफ हो गया है बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद जो ट्रॉली थी ना उसको भी मैंने सूखे कपड़े से साफ़ कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें गीला कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी ज़्यादा ही ट्रॉली गंदी है तो आप उसको गीले कपड़े से पोंछने के बाद एक बार सूखे कपड़े से ज़रूर पोंछ दीजिएगा। उसके बाद बस ये खांचों में इस तरह से बिठा दीजिए। अब आपको क्लिप को छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 सेकंड में ही अच्छे से सेट होकर के अंदर चली जाएगी ट्रॉली और आप आराम से उस ट्रॉली को अंदर फिक्स कर सकते हैं। सेट कर दिए मैंने सारे बर्तन दोबारा से और फिर तो मैंने तीनों ट्रॉलीज इसी तरह से साफ़ कर ली। लेकिन मैंने जो बाकी की दो ट्रॉलीज थी ना वो उनको पूरा बाहर नहीं निकाला। पूरा बाहर निकाले बिना भी आप इसको लूज़ करके आगे कर लीजिए, तब भी आपका काम हो सकता है अगर आपके कारपेंटर ने बिल्कुल अच्छे से उसको बनाया है। तो देखिए बिल्कुल कोने कोने तक की सफाई करने के लिए मैंने इस एक डंडी लेकर के उसमें कपड़ा फंसा लिया है और बस अब तो ये कोने कोने तक अच्छे से सफाई हो जाएगी। आपको ट्रॉली भी पूरी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर वाइट कलर की जो सनमाइका होती है ना वो लगी हुई है, जिससे कि बिल्कुल अच्छे से ये क्लीन हो जाता है आसानी से। तो देखिए बिल्कुल कोना कोना एकदम नीट एंड क्लीन हो गया इसका। तो बस अब हो गई थी लगभग क्लीनिंग कंप्लीट, नीचे की सारी ड्रॉर्स वगैरह भी अंदर तक क्लीन हो गई थी। किचन की क्लीनिंग बहुत लेंथी प्रोसेस है, अभी भी ये हमारी पूरी किचन की क्लीनिंग नहीं हुई है, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। चिमनी है, जैसे कि हमें अंदर की शेल्फ हम किस तरह से क्लीन कर सकते हैं और उनको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं अगली वीडियो में फिर बताऊंगी। किचन क्लीनिंग का बड़ा एक पोर्शन कवर करने के बाद मैंने ले लिया था शावर और काफ़ी अच्छा फील कर रही थी आज, थकान सारी मिट चुकी थी देख करके कि हाँ किचन कुछ सफाई हो गई है किचन में, लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। आगे वाली वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक